हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज निधास ट्रॉफी का फाइनल मैच है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो में शाम 7 बजे से शुरू होगा। निधास ट्रॉफी को शुरू में तो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था, लेकिन इस टूर्नामेंट में सबसे कमज़ोर मानी जा रही बांग्लादेश टीम ने अपने जोशीले खेल से इस टूर्नामेंट में जान फूंक दी। 2 रोमांचक मुकाबले में उसने श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और अब सभी की निगाहें आज होने वाले फाइनल पर है। बांग्लादेश की टक्कर लगातार 3 मैच जीत चुकी टीम इंडिया से होगी। लास्ट मैच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। इस मैच के दौरान बांग्लादेशी प्लेयर्स श्रीलंकाई प्लेयर्स से उलझे थे। उन्होंने अंपायर के फैसलों पर नाराज़गी भी जताई थी। मैच जीतने के बाद मैदान पर उन्होंने नागिन डांस कर जश्न मनाया, लेकिन फाइनल में उसके सामने टीम इंडिया है जो उसके खिलाड़ियों के जज्बे और जुनून की असली परीक्षा लेगी। भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बॉलिंग में वो अभी तक इतना कमाल नहीं दिखा सकी है। अगर प्रतिभा की बात की जाए तो भारतीय टीम अपने इस प्रतिद्वंद्वी से काफ़ी दमदार नज़र आती है। रोहित और शिखर धवन की सलामी जोड़ी दुनिया भर में अपने बल्ले का लोहा मनवा चुकी है। यह अलग बात है कि जब तमीम इकबाल और लिटन दास का दिन आता है तो उन्हें भी रोकना आसान नहीं होता है। धवन ने टूर्नामेंट में अब तक 200 रन बनाए हैं, जबकि कप्तान रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में 61 गेंदों पर 89 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की है। मैदान पर उतरने वाले 22 खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सुरेश रैना जितना अनुभव हो। सौम्या सरकार की उनसे तुलना भी नहीं की जा सकती है। अब आज शाम को देखना बड़ा ही रोमांचक होगा कि यह मैच भारत के पक्ष में जाता है या बांग्लादेश के पक्ष में जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।